मंदिर में आना हुआ है, क्या लग रहा है एक मंदिर से मैं आके दूसरे मंदिर को कामना और उसके निर्माण के लिए? देखिए, जब मैं बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में आता हूँ, काशी आता हूँ, तो मैं प्रयास करता हूँ कि काल भैरव जी के दर्शन हो जाएं, बाबा विश्वनाथ जी के, माता अन्नपूर्णा जी के और संकट मोचन जी के दर्शन हो जाएं। अभी तीन दर्शन हो गए हैं, संकट मोचन जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। कामना तो स्वाभाविक तौर से है कि भोलेनाथ जी भी भगवान राम के लिए जपते हैं, भगवान राम जी भोलेनाथ जी को जपते हैं। सर, कल आप बैठक ये प्रदूषण पर किस तरह की बैठक हुई, कुछ बात हुई प्रदूषण? नहीं, उसके लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए। सर, ये विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर पीडब्ल्यूडी को दिया गया जी, ऐसे में इसके निर्माण के बारे में? इसके निर्माण की प्रक्रिया तीव्र गति से प्रारंभ हो रही है और सारी तैयारियां तेजी से हैं, और बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से ही मैं समझता हूं कि जो काशी वासियों की और बाबा के भक्तों की देश भर के जो भावना है उसके अनुरूप जल्द भव्य रूप धारण करेगा। प्रियंका गांधी के व्हाट्सएप को हैक किया गया, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार जासूसी करा रही है इजरायली कंपनी के। मैं अभी तक तीन लोगों को मानता था कि वो चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। सरकार का ऐसा कोई प्रयास नहीं। प्रियंका जी ऐसी क्या हैं जो उनके व्हाट्सएप को हैक करके उनके खिलाफ, वो कांग्रेस की एक हारी हुई उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से नेता हैं और उनको ट्विटर पे राजनीति करनी है। सर, बिजली मंत्री के ऊपर आरोप भी लगा यूपी में कि जो DHFL कंपनीज को 20 करोड़ रुपया उन्होंने चुनाव के समय या उसके पहले दिया था। 17 मार्च से यह सारी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और 19 मार्च को हमारी सरकार ने शपथ लिया था। तो सच नहीं, देखिए प्रक्रिया जिसने प्रारंभ किया, कोई चीज़ जानने समझने में अब जानकारी में आया है तो उसमें FIR भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, CBI जांच के आदेश भी हुए हैं। आरोप लगा रहा है कि दो दिन पहले ही पैसा ट्रांसफर हुआ, नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, विपक्ष के प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए। हमारी सरकार ईमानदार है, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है और जिसने भी गड़बड़ी किया होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सब लोग स्वागत करेंगे। क्या मंदिर के पक्ष में आएगा तभी मानने को तैयार? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा सब एकदम सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक उसका स्वागत करेंगे। आगे चढ़ा दीपक भैया, बहुत देखती है। रोशन भाई, रोशन भाई।